हेलो एवरीवन, मैं हर्ष शर्मा और आप सुन रहे हैं क्या बोलूँ यार। सो वेलकम गाइस टू माय पॉडकास्ट एंड यू कैन लिसन दिस पॉडकास्ट ऑन स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट एंड एक्सेट्रा। सो गाइस, आज का जो मेरा ये टॉपिक है वो बहुत ही सीरियस में से एक है और शायद हमें इस टॉपिक पर इस समय ज़रूर चर्चा करनी चाहिए। और वो ये है कि आजकल हमारे बीच में फ्रॉड कॉल बहुत आने लगे हैं। जब से लॉकडाउन का समय हुआ है तब से ये और ज़्यादा बढ़ गई हैं। हालांकि पहले भी ये तो थी पर अब और बढ़ गई हैं। और पूरे वर्ल्ड वाइड में एक रिसर्च आई है सामने निकल कर कुछ ही दिनों पहले, और वो ये थी कि 16.6 मिलियन यूरो का फ्रॉड हुआ है इस टाइम पे ड्यूरिंग दी लॉकडाउन। सो गाइज, आप ये समझ सकते हैं कि ये बहुत ही बड़ी अमाउंट है। और आजकल जो ये RBI है उन्होंने भी एक नोटिस जारी करा है और उन्होंने ये बताया कि इस टाइम पे ड्यूरिंग दी लॉकडाउन बैंक की तरफ से, किसी भी बैंक की तरफ से कोई भी कॉल नहीं जा रही है, क्योंकि इन दिनों बहुत ये शिकायत आ रही थी कि हमें बैंक की तरफ से कॉल आता है और कोई हमसे ये बोलता है कि प्रधानमंत्री योजना की तरफ से आपके खाते में इतने पैसे दिए जा रहे हैं, तो आप अपने अकाउंट नंबर बता और फ़ोन नंबर बता दीजिए, या फिर ये कहा जाता है कि आप अपने ATM कार्ड पे जो नंबर है 16 डिजिट का वो बताइए, एक्सपायरी डेट वगैरह बताइए और CVV नंबर। सो गाइज, इन सब चीज़ों से बच कर रहिए, क्योंकि इस समय पे ना बैंक की तरफ से अभी कॉल जा रही है और ना पहले कभी गई है, क्योंकि बैंक वाले ऐसे कॉल करके कोई अकाउंट नंबर नहीं मांगते। अगर उन्हें बैंक वाले होते तो उनके पास हालांकि पहले से अकाउंट नंबर डिटेल्स होंगी, और बैंक वाले अगर होंगे भी तब भी वो ये CVV नंबर ये सब तो वो मांग ही नहीं सकते यार। किसी बैंक वाले को भी परमिशन नहीं है सब मांगने की। और जो हमारी साइबर क्राइम पुलिस है वो भी आजकल सक्रिय है इन सब लोगों को पकड़ने के लिए, और आजकल वेब के थ्रू भी बहुत से ये सब ऐसे नोटिस आ रहे हैं, या अपने आप किसी साइट पे जाओगे और कोई गलत साइट खुल जाता है, कई बार ऐसा होता है, तो उन सब चीज़ में भी ये सब लिखा रहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर विन दिस प्राइज। सो गाइज, इन सब चीज़ों से बच कर रहिए आप। पहले उस चीज़ को कंफर्म कर लीजिएगा कि जो भी ये शो कर रहा है या जो भी मैं देख रहा हूँ, जो भी यहाँ पे दिखा रहा है, क्या वो ठीक है, क्या ये जो हमारे पास कॉल आ रही है ये बैंक वालों के तरफ से ही आ रही है, या फिर ये कोई ऐसा फ्रॉड बंदा है जो हमें कॉल कर रहा है। और ये जो लोग होते हैं यार, इन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि इस समय लोग और भी गरीब हो गए हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि खाने के लिए भी तरस रहे हैं, तो ये लोग नॉर्मली रैंडम किसी को भी कॉल मिला देते हैं और उनसे ऐसे करते हैं, तो इनके बीच में इंसानियत तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। और हालांकि इनके बीच में इन सब के बीच में एक चीज़ और निकल कर आ रही है सामने, और वो ये है कि जो अभी इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ ऐप्स बंद करे थे उनमें से एक ऐप्स थी क्लब फैक्ट्री, तो कुछ शिकायतें ये भी गई है पुलिस वालों के पास कि कोई बंदा कॉल करके कहता है कि हम बेंगलोर से बोल रहे हैं क्लब फैक्ट्री की तरफ से और आपका नाम लकी ड्रॉ में आया है। सो गाइज, इन सब चीज़ों से भी बच के रहिएगा। इस लॉकडाउन के टाइम में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि ऐसे आपको फ्री फालतू का प्राइज वगैरह दे या कुछ भी दे, और ना ही आने वाले टाइम में आगे होता है, तो ये ना इनका ये कुछ ऑफिशियली रहता है, इनकी वेबसाइट भी चेंज रहती है। अगर वेबसाइट भी नाम भी अगर होगा तो आगे पीछे कुछ ना कुछ आपको डिफरेंसेस मिलेंगे, या फिर HTTPS की जगह HTTP होगा सिर्फ वेबसाइट का वो जो एड्रेस होता आगे का। सो गाइज, आप ये सब देखिए, आपके आसपास जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, किसी बंदे के साथ तो ऐसा गलत नहीं हो रहा है, उनको रोकिए। अगर आपको इन सब चीज़ के बारे में पता चलता है तो पुलिस में कंप्लेंट कीजिए और कोशिश करिए कि आप इन सब चीज़ के झांसों में ना आए। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस पॉडकास्ट।